हेलो एवरीवन यार स्वागत है आज की वीडियो में तो आज की वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा uh, आज का टॉपिक है चैलेंजेस दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग स्टडी परमिट इन कैनेडा ठीक है क्या क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम लेके आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता जब वो उसकी रियलिटी सामने आती है तो वो ना एक चैलेंज बन जाती है ये सब मैं अपने ख़ुद के एक्सपीरियंस से भी बताऊँगा और जो यूजअली होता है यार यहाँ पर मैंने सबके साथ जो देखा है उसके एक्सपीरियंस से मैं बात करूँगा तो, तो बाहर खड़ के वीडियो बना रहा हूँ आज मैं बट मौसम भी अच्छा है यार इतना थोड़ी धूप निकलने का प्लान है अभी निकल रहा है यार जो भी चलो बनाते हैं वीडियो ठीक है कुछ ऐसे चैलेंजेस ये जो है ना यार ये सबको फेस करनी पड़ते हैं आपको फेस करने पड़ेंगे मैं ये बताऊंगा कि मुझे इंडिया में क्या एक्सपेक्टेशन थी कनाडा को लेके और जैसे सेम आपको होगी लेकिन जब यहाँ पे आके तुम कैनेडियन uh, लाइफ अपनी स्टूडेंट लाइफ फेस करते हो स्टडी परमिट पर तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो बिगिन करते हैं सबसे पहली सबसे पहला चैलेंज हमारा आ जाता है कल्चरल शौक का अब यहाँ पे यार स्टूडेंट्स को uh, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जब तुम यहाँ पे आते हो अब हमने पता क्या इंडिया से हमने यही मन के रखा होता है कि यार हाँ जब हम इधर कनाडा में आएंगे ना यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जो लाइक कैनेडियन पीपल हैं या इवन इंडियंस ठीक है Indians, हम ये बना के आते हैं कि हाँ यार वो सब बहुत हेल्पफुल हैं बहुत ही अच्छी कल्चरल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं नॉट इवन यहाँ पर सिर्फ कैनेडियंस नहीं हैं यहाँ पर मैक्सिकन ग्रुप्स भी हैं यहाँ पर चाइना या फिर कोरिया से भी बहुत लोग आते हैं ठीक है उधर वाली साइड से भी बहुत लोग आते हैं मिडिल ईस्ट से भी बहुत लोग आते हैं तो बहुत ही डिफरेंट वेराइटी के कल्चर्स हैं वही जब हम इंडिया से यही सोचते हैं कि हम कल्चर में घुलेंगे मिलेंगे ठीक है सब हमें समझेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें बहुत लोग कोऑपरेट करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है मैंने भी ऐसे ही सोचा था लेकिन एक्चुअली मैं ना यहाँ पे यार आके केस थोड़ा डिफरेंट है मैं वीडियो में उस चीज़ का नाम नहीं लूँगा लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना ऑलरेडी वो जिस टाइप का बिहेवियर बीइंग हमारे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है ना हमारा जो डिफरेंट ग्रुप है उसके साथ जो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करते हैं वो हमें बहुत देखने को मिलता है यहाँ पे मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ था आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा तो वो एक थोड़ी बिटर ट्रुथ है वो आप उसके लिए रेडी रहना ठीक है तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा नाइस होंगे नॉट इवन कि कैनेडियंस यहाँ पर कई अब पता नहीं क्यों जेलस फैक्टर कह लो लेकिन यहाँ पर जो इंडियंस भी हैं ना इवन बिटवीन इंडियंस यहाँ पे थोड़ा ये तनक झनक हो ही जाती है अब जैसे बहुत ही इंडियन ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं ना गुजराती हो गया अपने पंजाबी हो गया साउथ Indians हो गए जो कि ठीक है अच्छा है वो हर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लोग आ रहे हैं यहाँ पे लेकिन अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं अब एक जगह अब वहाँ पर गुजराती ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर पंजाबियों को थोड़ा ऐसे ऑक्वर्ड फील होगा या फिर इवन तो अगर हम कॉलेज वगैरह में भी देख लें ना या फिर वर्क अपने वर्क इन्वॉर्नमेंट भी देख में भी देख लें तो थोड़ा ग्रुपिज्म चलता है उस जगहों पे भी तो क्लासेस में और कॉलेज में इवेंट्स में भी और आपको वर्क प्लेस पर वो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है लेकिन थोड़ा तनक झनक आपको लगेगी दूसरा चैलेंज आ जाता है यार हमारा चेंज इन स्टडी पैटर्न का और तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है इंडिया से हम आते हैं एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यार हाँ यहाँ पे स्टडी बहुत इजी होती है कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं पड़ता ये वो बस वगैरह स्टडी वगैरह जो जिस टाइप की भी है वो करके चलो प्रोफेसर्स वग़ैरह ईजी होते हैं ईजी गोइंग होते हैं ये वो सब ठीक है लेकिन रियलिटी इससे बहुत ही डिफरेंट है अगर हम सबसे पहले यार प्रोफेसर्स की बात करें ना प्रोफेसर्स यहाँ पर स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करते यार इंडिया में तो हमारे टीचर्स कैसे होते थे खुद ही बताएंगे हाँ भाई कि असाइनमेंट है चल तू सबमिट कर ये वो कर ये वो मतलब प्रेशराइज़ करते हैं यहाँ पे प्रेशराइज़ बिल्कुल नहीं होता तुम्हें एक डेडलाइन मिल जाती है असाइनमेंट करने की जब अगर तुम तब तक कर ली तो ठीक है मार्क्स लग जाएंगे अगर तुम वहाँ तक नहीं कर पाए कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं रात को 11:59 पे ड्यू है आपने ट्वेल्थ पे सबमिट की ना आपके स्टिल जीरो मार्क्स तो ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट है प्रोफेसर्स की और उसके भी अलावा अब कई कई आपको अच्छे प्रोफेसर्स भी मिलेंगे ठीक है लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे प्रोफेसर्स को यहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता स्टूडेंट से तो वो अपने हिसाब से ही पेश आते हैं तो ये आपको एक डिफरेंट टाइप का शौक लगेगा यहाँ पर आके ठीक है ठीक है तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि कॉलेज कॉलेज में प्रोफेसर्स बहुत ही इजी गोइंग होंगे कई होंगे भी लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं होंगे ठीक है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपनी असाइनमेंट डेडलाइन डेट्स के हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है यही पॉइंट मुझे अगली चीज पे भी ले आता है असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप बहुत ये एक्सपेक्ट करोगे कि असाइनमेंट सारी ग्रुप्स में होती हैं मार्क्स अच्छे से लग जाते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन रियलिटी कुछ और है अब ग्रुप group... ग्रुप में ये चीज़ है अभी यार यहाँ पे ना जो ग्रुप में असाइनमेंट्स होती हैं अगर तो आपका ग्रुप अच्छा है तो तो तुम्हारे अच्छे से मार्क्स लगेंगे लेकिन ग्रुप में ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई लोग क्योंकि ऑब्वियसली काम वगैरह में बिज़ी हैं वो इतनी ज़्यादा असाइनमेंट करने में एंगेज काम वगैरह में एंगेज हो जाते हैं ना कि असाइनमेंट्स वगैरह वो करते ही नहीं तो उनको कोई इतना मतलब नहीं होता ज़्यादा नंबर लाने से तो अपना ग्रुप बहुत देख के सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे पढ़ाकू बच्चे ग्रुप में डालो ऐसे डालो जो सिर्फ काम वगैरह पे ना करने लगे काम वगैरह ना करते रहें पढ़ें भी साथ में ठीक है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसके बाद यार एक और यहाँ पे आपको रियलिटी थोड़ी अलग लगेगी कि यहाँ पे सारा सिस्टम ना स्टडी सिस्टम मोस्टली 80 टू 90 परसेंट सारा काम ऑनलाइन ही होता है ठीक है कॉलेज की जब आप कॉलेज में एनरोल्ड होगे आपकी ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा स्टूडेंट पोर्टल बन जाएगा आपका वहीं से आपको सारी असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी टेस्ट्स वगैरह होंगे कई कई चीज़ें होती हैं इन क्लास होती हैं बट थ्योरी पे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती जैसे इंडिया में तो हमें क्या होता था कि सब कुछ रिटर्न एग्जाम्स हो रहे हैं वही सब चल रहा है हमारा एटी जो मार्किंग स्कीम होती है थ्योरी बेस्ड होती है ट्वेंटी जो होती है हमारे प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह होते हैं ठीक है यहाँ पे ये यह एक्सपेक्ट मत करना यहाँ पे रियलिटी कुछ और है आपके लाइक like, पूरे चार मंथ्स का सेमेस्टर है आपके हर एक सेमेस्टर के हर एक मंथ वीक पे जो जो असाइनमेंट्स मिलती हैं उसमें जो नंबर लगते हैं वो सब एडअप आप होकर आपके एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर में नंबर उस हिसाब से काउंट होते हैं तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना तो अच्छे से कंसिस्टेंटली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यार अगला चैलेंज आ जाता है सोशल लाइफ का अब यहाँ पे अगेन यही बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स की या कोई भी स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई एक बार कैनेडा में आके मौज ही मौज है ठीक है पार्टियाँ करेंगे सोशल लाइफ बनेंगी बहुत ही फ्रेंड्स बनेंगे कॉलेज में पॉपुलर होंगे ये वो सब चीज़ें लेकिन इट्स कम्पलीटली अपोज़िट इंडिया में वैसे पॉसिबल होता होगा लेकिन यहाँ पे पता क्या है पहली बात लोगों को फालतू दूसरे लोगों से मतलब नहीं है नॉट इवन कैनेडियंस इंडियंस को भी ज़्यादा फालतू दूसरे लोगों से मतलब नहीं है वो अपने अपने काम करके खुश हैं ठीक है तो पहली बात आप ये तो भूल ही जाओ कि आपको ईजिली ट्रस्ट हुआ फ्रेंड्स मिलेंगे क्वालिटी फ्रेंड्स ठीक है इसीलिए यहाँ पे सोशल लाइफ ना आपकी कम रहती है थोड़ी लेकिन अगर आपको वो मिलते भी हैं तो अब एक लोगों की ये मेच्योरिटी भी आ जाती है कि अगर आपको ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स और अच्छे फ्रेंड्स भी मिलें अगर वो अपने ही कामों में बिज़ी हैं तो आपको लगता है कि वो अच्छे फ्रेंड्स दी हैं तो ये चीज़ें बड़ी ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर कर देती हैं ठीक है अगर हम उस बात को ज़्यादा ना डिस्कस करें सिर्फ सोशल लाइफ पर रहें तो ये बात है यहाँ पर कि आपको खुद ही अपने दम पर चीज़ें करनी होंगी मैं भी अपनी बात ही कर रहा हूँ मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही यूँ ठीक है ऑन एन एवरेज ज़्यादातर ऐसे नहीं हो पाता तो यहाँ पे सोशल लाइफ आपकी आपको खुद ही अपने साथ टाइम स्पेंड करना होगा खुद ही अपने खुद को मोटिवेट करना होगा ठीक है ओके okay, यार उसके बाद एक और एक्सपेक्टेशन एक एक आ जाती है कि एक बार आप कनाडा में आ गए आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई तो आप सारी फ़ी आप पे कर दोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके अब रियलिटी क्या है मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कैन एवरी वन पेरियर कॉलेज ट्यूशन ठीक है और ये हर कोई बंदा नहीं कर पाता यहाँ पे मेरे को भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे एक बार आ गए स्टूडेंट्स तो सब पे कर पाते हैं बट वो एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है सिर्फ उनके लिए ईजी होता है पे करना जो कोऑप लेके आते हैं जिनके स्टडी परमिट के अंदर वर्क टर्म होती है या फिर uh, जिनको ऑफिशियल ड्रॉप मिलता है उसमें तो क्या कर सकते हो यार तुम तुम ना चार महीने लगातार काम करके ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो अब उनका क्या जिनके दो ईयर के प्रोग्राम इकट्ठे रन होंगे विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी को उनको तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फ़ी घर से मंगवानी ही पड़ती है अगर ये चीज़ मैं और डिटेल में आप सुनना चाहते हो कि ये क्यों होता है तो आप नीचे मेरे प्लीज़ कमेंट्स डाल दो और मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये डिस्कस करने के लिए तो ये आप अगर आपके प्रोग्राम में को ऑप नहीं है या फिर ऑफिशियल ब्रेक नहीं है ना तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप कॉलेज ट्यूशन पूरी पे कर पाओगे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा ताकि आप उसके लिए रेडी रहो ओके okay यार उसके बाद सबसे लास्ट एक सबसे ज़रूरी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट लाइफ में आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज अब एक्चुअली ये चीज़ बहुत ही ना प्रॉब्लमेटिक है स्टूडेंट्स के लिए अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि जब हम यहाँ पर आएँगे पार्ट टाइम जॉब करेंगे या जो भी अपना काम वगैरह करेंगे स्टडी करेंगे घर जाएँगे यही लाइफ होगी लेकिन इट्स अलॉट मोर देन दैट ठीक है ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो क्योंकि ये तो आपकी प्राइमरी चीज़ें हैं काम हो गया स्टडी हो गया ठीक है ये सब आपकी प्राइमरी चीज़ें हैं लेकिन उसके अलावा सेकेंडरी चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं यार जैसे स्टडी आप सिर्फ पहली बात कॉलेज ही नहीं जा सकते आपको घर पे भी स्टडी करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन आपका कोर्स कितना हार्ड है या आपका कितना इंटरेस्ट है ठीक है आपको स्टडी करनी पड़ेगी उसके आपके घर में भी सिटिंग आवर्स बनेंगे स्टडी टाइम के उसके अलावा आपका कम्यूटिंग बस वगैरह में ट्रैवल करने का बहुत टाइम निकलता है वहाँ पर ठीक है फिर वहाँ से आप सबसे पहले एक तो कॉलेज वगैरह कम्यूट करके जाते हो फिर उसके बाद आप अपनी काम की जगह पे कम्यूट करके जाते हो ऑन एन एवरेज तीन से चार घंटे आपके दिन के बस वगैरह में ही निकलेंगे आप अगर आप सारी चीज़ें एक दिन में करोगे ठीक है और उसके अलावा फिर आपकी मिसलिनियस चीज़ों में भी बहुत टाइम स्पेंड होता है जैसे घर पर जाके अब आपको कुक वग़ैरह करना है ठीक है अब मैं ये तो रेकमेंड करता नहीं कि आप इधर उधर जाके चीज़ें बाहर से ही परचेज़ करके खाओ क्योंकि वो बहुत पैसे लेंगी आपकी तो अगर आपको घर पे जाके अच्छे से कुक वगैरह करना है या फिर और चीज़ें करनी है आपकी लॉन्ड्री वगैरह अब आपको पर्सनल टाइम अपने आपके लिए भी निकालना है ताकि आप अपने इंटरेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सको ठीक है अगर आपका कोई म्यूज़िक में शौक़ है या किसी भी चीज़ में शौक है उसका भी आपकी मैंटली आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उस उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है ठीक है आपका फ़्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है तो उन चीज़ों के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा चंक ऑफ द डे आपको उन चीज़ों के लिए चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपकी वही दो तीन चीज़ों के आ, अराउंड ही रिवॉल्व करेगी लाइफ यहाँ पे बहुत डाइवर्स uh, हो जाती है जो कि अच्छी बात भी आपको वो बिजी रहना सिखाएगी लेकिन वो एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ठीक है अब अगर टाइम मैनेजमेंट की बात हुई है ना मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका पहले साल का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ठीक है कैनेडा में आके एज़ अ स्टूडेंट तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है ना थोड़ा एक्सपीरियंस करना है थोड़ा उसके बारे जानकारी लेनी है तो मेरी यार इधर वीडियो चेकआउट करो माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन कैनेडा ये बहुत ही मैंने एक लाइक स्टोरी के तौर पर बताया हुआ है कि कैसे कैसे मैंने अपनी जॉब वगैरह ढूंढी कब कब जॉब वगैरह ढूंढी या फिर कैसे स्टडी वगैरह को मैनेज किया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो लिंक वगैरह सब मैं नीचे डाल रहा हूँ और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन